आचार्य, दुर्द्रा यूं ही चिंतित हो रही थी। देखिए, धनानंद अपनी सेना के साथ आ रहा है। तारिणी के साथ जैसा निर्धारित हुआ था, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अब हमें केवल उनका मार्ग अवरुद्ध करना होगा। क्या हुआ आचार्य? धनानंद इस सेना का नेतृत्व नहीं कर रहा है। क्या? अर्थात दुर्धरा का संदेह सही था। तारिणी ने हमें सावधान नहीं किया कि धनानंद उत्तरी नहीं दक्षिणी दिशा से आ रहा है। आचार्य का संदेह सही था। धनानंद ने उत्तरी दिशा की जगह दक्षिणी दिशा से कूच किया है। भाग्य हमारे, हम आते देखिए तो कौन फंसा है हमारे जाल में। वो शिकार जो स्वयं को शिकारी समझने की भूल कर बैठा। आक्रमण! आक्रमण! इतिहास सब कुछ जानता है, पर कुछ घटने से पहले अनभिज्ञ होता है, और आने वाला इतिहास इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि ऐसा कठोर निर्णय लेकर चंद्रगुप्त ने अदम्य साहस और कटिबद्धता का परिचय दिया है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब भारतवर्ष के भावी सम्राट ने अपनी माँ की नहीं, मातृभूमि की रक्षा को प्राथमिकता दी। मेरी सेना से युद्ध करना एक बात है मूरा, और मुझसे युद्ध करना दूसरी। तुम्हें अभी इसी क्षण इसका आभास हो जाएगा। मत भूलो धनानंद, मैं भी एक क्षत्राणी हूँ। को इतनी वर्षों से तुम्हारी यातनाओं से नहीं टूटी, वो अब तुम्हारे सामने क्या झुकेगी? आगे बढ़ो, करो प्रहार। तुम्हारे समक्ष तुम्हारी दासी नहीं, पीपली वन की महारानी खड़ी है। तुम्हारी हर यातना का प्रतिकार लेने आगे बढ़ो, करो प्रहार। ये मुझसे मेरे पति, मेरे महाराज को छीनने के लिए। ये मुझे अपने महल में दासी बनाकर रखने के लिए, मेरे मान सम्मान को खंडित करने के लिए। और अब ये उन सभी यातनाओं के लिए जो तुमने मुझे दिए धनानंद। Thank you.
महामहिम, ये चंद्रगुप्त द्वारा घटित पांचाल और सिंध की प्रजातियों की सेना है। अर्थात उस कुटिल चाणक्य को पहले से आभास था कि हम पश्चिमी छोर से आक्रमण कर सकते हैं, इसीलिए उसने अतिरिक्त सेना सज्ज रखी। निसंदेह धनानंद, मुझे मेरे पुत्र ने वचन दिया था। धनानंद, आज सूर्यास्त से पूर्व पीपली वन के महल पर मौर्य वंश की ध्वजा लहराएगी और मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र ने जन्मभूमि का ऋण अवश्य चुकाया होगा। विकल्प है तुम्हारे पास, आत्मसमर्पण या मृत्यु। बचाइए भ्राता पांडु कैरवर्द, मेरी रक्षा कीजिए। सम्राट ने हमें यहाँ एक लक्ष्य के लिए भेजा है, हमें किसी भी प्रकार पीपलीवन महल की रक्षा करनी है। भ्राता, अपने स्वार्थी भाई के सपनों की रक्षा करने से उचित यह होगा कि मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं। चलो। नहीं भ्राता, रुकिए भ्राता, मेरी रक्षा कीजिए भ्राता, भ्राता मुझे छोड़कर मत जाइए भ्राता। तुम्हें पता होना चाहिए, या चाहे कुछ भी हो जाए, मां को दी अपने वचन से मैं पीछे नहीं हटूंगा। पीपली वन को प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रुको रुको, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। कोई महत्वपूर्ण जानकारी है? धनानंद का एक ऐसा रहस्य है जो सिर्फ उसके और हम भाइयों के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। चंद्रगुप्त, तुम महारानी मूरा के पास जाओ, इसे हम बंदी बना लेंगे। जाओ। जी आचार्य। माँ बहिम, चलिए यहाँ से। इस समय हमें पीछे हट जाना चाहिए और अपनी दूसरी सेना के साथ जाकर मिल जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मूरा को परास्त करना असंभव है। ना, ना महामाते, आप जानते हैं इन अभिमानी लोगों की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? जीवन से जुड़ाव, उनसे प्रेम इनकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। और मेरी सबसे बड़ी शक्ति है कि मेरे लिए विजयी होने से बड़ा और कुछ नहीं, ना किसी के प्राण और ना किसी का जीवन। समझ गया मामहिम, आपके संकेत के लिए मैं सज्ज रहूंगा। जानती थी तुम केवल छल करना जानते हो धनानंद। इतिहास वही लिखते हैं मूरा जो विजयी होते हैं। तुम्हारे लिए जो छल है, इतिहास से मेरा बल कहेगा।
महिम, चलिए यहां से। वैसे भी आपकी जीत हुई और इस मूरा का बचना असंभव है। चलिए। माँ, ये क्या हुआ माँ? मुझे बताओ चंद्र, तुम हमारी जन्मभूमि को मुक्त करा दिया ना चंद्र? हाँ बताओ चंद्र, जन्मभूमि को हाँ, हम पीपली वन पर विजय प्राप्त कर ली ना, बताओ चंद्र। हाँ माँ, अब विजयी हुए। चलो चंद्र, मुझे घर ले चलो चंद्र, मुझे पीपली वन के महल पर विजय पताका लहराती देखनी है चंद्र, मुझे घर ले चलो। हाँ माँ। ये क्या हो गया? हमारी ध्वजा लॉस्ट हो। मातृभूमि के प्रति अपने हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा।
मौर्य वंश की छत्र छाया में एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण करूंगा मां, जहां हमारी मातृभूमि और उसकी सभी माएं हमारी यात्रा से मुक्त होगी। वचन है आपके चंद्र का। आचार्य, सदैव के भांति ये योजना भी मेरे समझ ही नहीं आ रही। आपने पहले इतनी सारी मछलियां हमसे पकड़ाई, उसके बाद में यही सड़ी हुई मछलियां उसी नदी में फिर से बिकवा रहे। इस प्रकार हम वो छावनी कैसे अपने आधीन करेंगे? कहीं आपकी योजना ये तो नहीं कि वहां उपस्थित सैनिकों को इन मछलियों के दुर्गंध से मूर्छित कर दे? नहीं, परंतु मेरी योजना ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया है स्थूलभद्र। ये दुर्गंध कैसी? ये इन मरी हुई मछलियों की दुर्गंध है। सही कह रहे हैं, चलो चलते हैं। चंद्र, आचार्य तो मुझे अपनी योजना नहीं समझाने वाले, किंतु तुम ही समझा दो ना सरल भाषा में। देखो सुन, जैसे मछलियों को पकड़ने के लिए हम जाल में चारा फंसाते हैं, बस उसी प्रकार ये मरी हुई मछलियां हमारे शत्रुओं के लिए चारा, जिसके कारण वो स्वयं हमारे जाल में फंसने चले आएंगे। किंतु आचार्य, हम धनानंद को किस प्रकार भ्रमित करेंगे? क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात धनानंद उस छावनी के ऊपर हित की भांति अपनी दृष्टि जमा के बैठा होगा। निश्चित रहो स्थूल, आचार्य ने उसका भी प्रबंध कर दिया है। विषकन्याएं, हमारी विषकन्याएं किसी भी क्षण मगध पहुंचती हों, वो धनानंद के लिए एक ऐसी समस्या उत्पन्न करेगी कि ये छावनी हमारे अधीन अवश्य होगी। ये विषकन्याएं कहां रह गई? अब धनानंद किसी भी क्षण छावनी की ओर कूच कर सकता है। रुको, सम्राट का आदेश है, कल सूर्योदय तक ना कोई महल से बाहर आएगा ना बाहर से भीतर प्रवेश लेगा। कौन है जो मेरी दासियों को महल में प्रवेश करने से रोक रहा है? इन दासियों को स्वयं सम्राट ने मेरे लिए नियुक्त किया है और तुम इनका प्रवेश बर्जित कर रहे हो। क्षमा करें महारानी, आने दो इन्हें। धनानंद छावनी तक पहुंचने ही वाला है, धनुर्धरो सज्ज हो जाओ। अब तो धनानंद भी छावनी तक पहुंचने वाला है, अब तो मुझे बता दो कि उन सड़ी हुई मछलियों की सहायता से हम इस छावनी को अपने अधीन कैसे करेंगे? ये दोस्तों स्वयं देख लो। ये दुर्गंध कैसी है? चिंता की कोई बात नहीं सम्राट, ये कुछ दूषित मछलियां हैं, कदाचित पानी के तेज प्रवाह से बहकर ये नदी के तट पर आ गई हैं। ये उन्हीं की दुर्गंध है। ये नदी है, कोई समुद्र नहीं, कि जिसके प्रवाह में इतना बल हो कि कोई भी वस्तु तट तक आ जाए। नाव सज करो, ये हमें भ्रमित करने के लिए अवश्य उस चाणक्य की कोई चाल होगी। मगध की सेना नाव में सवार होकर हमारी ओर आ रही है, किंतु क्यों? हमने तो उनके पास, अच्छा तो इसलिए हमने सड़ी हुई मछलियां फिर से नदी में फेंक दी थी। हाँ स्थूल, अब समझ में आया। जैसा कि चंद्रगुप्त ने कहा,
ये सड़ी हुई मछलियां वास्तव में हमारे शत्रु को फंसाने के लिए जाल के चारे का कार्य करें। हाँ, अब जब मगध की सेना नदी के बीचों बीच होगी, हम उन पर आक्रमण करेंगे, और जब तक धनानंद और उसकी सेना को कुछ समझ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यहाँ तो शत्रु की कोई नाव नहीं है सम्राट, ना ही कोई संदेहजनक गतिविधि है। यहाँ तो हर ओर केवल ये मरी हुई मछलियां हैं। मछलियों पर तेल, अर्थात उस कुटिल चाणक्य ने नदी में तेल डाला है। तट की ओर लौटो तुरंत। चंद्रगुप्त की सेना के एक एक सैनिक को मार डालो, किसी को मत छोड़ना। आक्रमण! हमारी योजना फलीभूत हो रही है। धनानंद का दूत उस तक ये समाचार लेकर पहुंच चुका है। मगधपति की जय हो। महल से एक आकस्मिक समाचार प्राप्त हुआ है, चंद्रगुप्त की विषकन्याओं ने महल में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। वो किस रूप में है, महल में आई कैसे, ये कोई नहीं जानता, किंतु महल के सभी सुरक्षाकर्मी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। सम्राट क्षमा करें सम्राट, आपके जाने से चंद्रगुप्त के सामने हम ये छावनी हार जाएंगे। हार हो या जीत, मेरे लिए तारा से बढ़कर कुछ नहीं। यदि मुझे तारा और इस छावनी में से किसी एक को चुनना हो तो मैं केवल अपनी तारा को ही चुनूंगा। चलो चंद्रगुप्त, अब समय आ गया इस युद्ध का अंत करने का। जी आचार्य। तू ध्रुवदत्त को एक संदेश भेजवाओ कि यहां सब खुशहाल और मंगल। मगध की धरती पर अपनी प्रथम पराजय के लिए सज्ज हो जाओ धनानंद। हमारे सैनिक इस अवस्था में? क्या वो कैवत था? क्या उसके साथ आमर्त्य था? किस दिशा में गए हैं वो? चंद्रगुप्त, तुम इस दिशा से जाओ, हम सब दूसरी दिशाओं से जाकर उसे घेरते। जी आचार्य। ईश्वर, प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त अपनी सेना के साथ लौट आया है। उचित कह रहे हो तुम, हमें अलग अलग दिशा में हो जाना चाहिए। We'll be right back.
आगे बढ़ो, इसे तो मैं देख लूंगा। नहीं आमात्य, नहीं, मैं इस अवसर को व्यर्थ नहीं गवा सकता। आज आप और मैं मिलकर इस देशद्रोही का अंत कर देते हैं, हर एक खेल का ही अंत कर देते हैं। क्या भी तुम देखना चाहते हो कि मेरे गुरु ने मुझे कैसे प्रशिक्षण दिया है अमृत राक्षस? आत्मसमर्पण कर दो अमृत राक्षस, शीघ्र। नहीं, कभी नहीं।